नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा दोस्तों खुश रहो, सुखी रहें, संपन्न रहें। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। हमेशा नित नवीन उपाय लेकर के आती हूँ मैं आपके लिए। आज जो उपाय लेकर के आई हूँ दोस्तों, बहुत बहुत कारगर है, बहुत कारगर उपाय है। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए, शेयर अवश्य ही करें दोस्तों। आज जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय है, यदि आपका कोई काम काफ़ी समय से नहीं हो रहा है तो आप इसको करें। जैसे कि आपको पता है कि इस काम के लिए मुझे जाना है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हाँ नहीं बोलेगा। जैसे आपको कोई शादी की बातचीत करने जानी है, लेकिन आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति मना कर देगा। आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू देने के लिए जाना है नौकरी के लिए, तो भी आप इस क्रिया को करें। एग्जाम में आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो भी आप इस क्रिया को करें। मतलब आप कोई भी काम, कोई भी ऐसा काम आपका जो रुका हुआ है और आपको उस काम को सक्सेसफुली करना है और आप चाहते हैं कि इसमें आपको जबरदस्त सफलता मिले, जो भी काम के लिए आप जाना चाहते हैं, तो ये क्रिया जो मैं आपको बता रही हूँ, इस क्रिया को आप करके जाएं। रिजल्ट दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि जब भी आप कोई भी क्रिया करते हैं तो करें पॉजिटिव होकर के, क्योंकि आपकी क्रिया के अंदर जो उसको पॉजिटिविटी देता है क्रिया को, वो है आपकी भावनाएं। आपकी क्रिया में जो जान डालती है जो चीज, वो है आपके अंदर की शक्ति, वो है आपके अंदर की शक्ति। आप अपने आप से पहले पॉजिटिव हो जाएं, उसके बाद ही आप किसी भी क्रिया को करें, ठीक है। ये उपाय आपको करना है शनिवार के दिन, ये उपाय आपको करना है शनिवार के दिन। दिन में कभी भी आप इसको कर सकते हैं, जब भी आपको जाना है किसी भी काम से, ठीक है। हाँ, यदि आपका काम शनिवार के सिवाय और किसी दिन हो, जैसे आपको एग्ज़ाम देने जानी है, इंटरव्यू देने जाना है सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, तो आप इस धागे को शनिवार के दिन निकाल करके एक तरफ रख दें कि मैं ये काम इस दिन करता हुआ जाऊंगा। इस धागे को लेकिन आपको निकालना तो शनिवार के ही दिन है, ठीक है, एक तरफ रख देना है। धागा आप अपने हिसाब से ले लें, लंबाई का कोई ये नहीं है कि इतनी ही लंबाई होनी चाहिए, जितना भी हो, एक खंभे में जितना वो बंध जाए उतना बड़ा आपको धागा रखना है। धागा दोस्तों आपको लेना है नीले रंग का, कैसा, नीले रंग का आपको धागा ले करके रखना है अपने पास में। फिर से बता दूं, यदि शनिवार है तो बहुत बेस्ट रहेगा, उसी दिन आप इस क्रिया को करते हुए चले जाएंगे, आपको तुरंत सफलता मिलेगी। शनिवार के सिवाय कोई भी दूसरा वार है तो आप उस वार को भी इस क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन इस धागे को निकाल कर जैसे अपने जेब में रख दें, किसी डिब्बे में रख दें कि इस दिन मुझे जाना है, तो जैसे बुधवार है, गुरुवार है, उस दिन मैं इसको बांधता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। जब आप घर से निकलते हैं उस समय आप इस धागे को अपने हाथ में रखें, अपनी मुट्ठी में रखें। पहले आप इसको अपने सामने, अपनी नज़र के सामने रखें, कुछ देर आप इसको देखें, देख करके आप अपनी पॉजिटिविटी इस धागे को दें कि मैं इस काम से जा रहा हूँ, मेरा ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। उसके बाद उस धागे को आप मुट्ठी के अंदर टाइटली बंद कर दें, टाइटली बंद करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप बोलना चाहते हैं उतनी बार आप अपनी इच्छा को बोलें, ठीक है। जैसे कि मैं इस इंटरव्यू में पास हो जाऊँगा, ये शादी में पक्के करके ही आऊँगा, मतलब कि आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि ये काम मैं करके ही आऊँगा,
जिस काम के लिए आप धागा बना रहे हैं कि ये काम मैं करके ही आऊँगा, बराबर। जितनी बार आपको बोलना उचित लगे, 3, 5, 7, 11, 21, जितनी बार आपको बोलना उचित लगता है उतनी बार आप बोलें। उसके बाद आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें। आप जिस भी देवी देवता में विश्वास करते हों उन्हीं का आप नाम स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु या हे माता रानी, मेरा ये काम मैं करके ही लौटूं, इतनी मुझे शक्ति देना, इतनी मुझे शक्ति देना। और उसके बाद बिना पीछे देखे आपको अपने घर से निकल जाना है, बराबर। निकलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके रास्ते में कितने खंभे पड़ रहे हैं। पहला खंभा जो आए उसमें धागा नहीं बांधना है, दूसरा खंभा आए धागा नहीं बांधना है, ये धागा आपको तीसरे खंभे में बांधना है। जो लोहे के खंभे होते हैं, खंभे किसी भी कोई भी टाइप का चल सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक के खंभे खड़े होते हैं और भी किसी टाइप का खंभा हो, जो लोहे के खंभे खड़े होते हैं रास्तों में अमुक चीज़ों के लिए, तो ऐसे खंभे आपको देखना है। एक खंभा, दो खंभा नहीं, तीसरे खंभे में आपको ये धागा बांध देना है। धागे में धागा लेकर के आपको खंभे के पास खड़े हो जाना है, उसमें 3 गांठें लगा देनी है, बराबर। और मन ही मन ये सोचना है कि अब मेरा काम हो जाएगा, मेरे काम में कोई रुकावट अब आने वाली नहीं है, मैं अपना काम करके ही वापस आऊँगा। मैं जिस काम से निकला हूँ मैं वो काम करके ही आऊँगा, नो डाउट। और उसके बाद आप काम के लिए जाएं, अपनी जगह पर पहुँचें और अपना काम करें, वापस आए। जब आपका काम हो जाता है तब आपको जा करके इन गांठों को खोल देना है और उस धागे को आपको या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें, ठीक है। इस धागे को बांधने मात्र से दोस्तों आपके काम को पॉजिटिविटी मिल जाएगी, आपका काम एक्टिव हो जाएगा, आपके काम होने के योग बनने लग जाएंगे। उपाय सुनने में छोटे लगते हैं, कभी कभी लगता है कि इज दैट पॉसिबल, कैसा हो सकता है, मैं कहूंगी यस, हो सकता नहीं है, होता है। और आप उसे करेंगे, करके देखेंगे और अपने काम को भी सफल करेंगे। कभी भी दोस्तों निराश ना हो। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई क्रिया की है लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो आप कभी भी दोस्तों डिप्रेशन में ना आए, उस क्रिया को आप रिपीट करें। यदि आपने ये सोच लिया है कि काम होना चाहिए तो काम को तो होना है, काम को दोस्तों होना है तभी आपने सोचा है। ये सोच आपको प्रकृति इसीलिए दे रही है क्योंकि उस काम को होना है ये, और ये इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, इसलिए कि ये प्रकृति का नियम है और ये सत्य है। प्रकृति के हर नियम का स्वीकार करें, अपने काम को सफल बनाएं, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।